बिल्लो हम तो हो गए नहा धोके तैयार। ओ यानी कि आप भी हैं तैयार। और आगे दोस्तों इधर से एक मस्त सीटी और इस सीटी के साथ स्वागत है आप सभी का अन्नपूर्णा जी की रसोई में। तो आज बनी उस दगड़े हो अल्लू खिचोड़ी। यस तो हम एकदम तैयार हैं और आप सब बस बने रहे हमारे साथ जोश भरे इस दिन में। देखते हैं कि आज क्या क्या होने वाला है आपके इस प्यारे चिड़ियाघर के अंदर। ये आज थोड़ा जड्डू ही मुझे और मौसम की पहली ठंड की दस्तक दे चुकी है। ठंड वैसे ठंड मुझे ज़्यादा लग तो नहीं रही है, नहाने के बाद वैसे भी नहीं लगती है ठंड। और उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ वैसे मुझे तो नहीं लगती है, यस नहीं लगती है। तो आज थोड़े थोड़े बादल हैं आसमान में और क्रिसमस का मौका है। तो क्रिसमस के मौके पर नानी का नहाने का जू बोल गया लेकिन इन्होंने नहीं लहलाया। आज ठंडल कड़कड़ी भेजे नमायना। तो बस बने रहे आप हमारे साथ। गुड मॉर्निंग बोल दे सब। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी बच चुके हैं ढाई और ये लड़िया कितना अच्छा। तो ये घाम में बैठ के मस्त मजे ले रहे हैं किन्नू के। लो बताओ मैं क्या लाऊंगा आज का सवाल। मूंगफली। आप बताओ अन्नपूर्णा जी क्या लगा। मूंगफली। मूंगफली पक्की बात। वो भी लाए होंगे उसके साथ से। खोल के देखा जाए क्या लग रहा है। ये तो भारी चीज है। भारी चीज है क्या हो सकता है। पर ये कोई एक चीज है। क्या बात भाई तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। कैसा रहा तुम्हारा क्रिसमस। बोतल लग गई। बढ़िया। अरे भाई बढ़िया चित्र सही बन गया था तुम्हारा। ये देखो पपीता लग रहा है। यस तो पपीता खाया जाए। मुझे नहीं खाया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोटद्वार में पपीता चल रहा है अभी 50 रुपए किलो। लास्ट टाइम 60 रुपए था 50 रुपए हो गया है। नानी बैठी है खम घाम तपड़ा छो नानी। हां घाम तपणो तो बाबा। गरम नहीं उड़ो। है गरम तो नहीं लगड़ो। ना ना गरम नहीं लगणो। गरम का कहला ना। धूप कटे गया भाई पपीता। नानी आओ पपीता खोला। आओ दगड़ो पपीता खोला। थैंक यू। तो मैं खा के बताता हूँ मीठा है कि नहीं है। वाकई बढ़िया पपीता है। शानदार। कंचननी बढ़िया ठीक जी। तब तक आते जी जाना पर फिर कंपटीशन करोगे। पतले घर से रस बहा दे तो दौड़ा ही एक नाम पर पतले का जो क्या थी ना पतले का पतले का। क्या भाई ये उधर से कोई आ रहा है। अब जल्दी निपटाओ पपीते उधर से वो भी आ गए। ये तो ज्यादा खाते दोनों के दोनों। नहीं खाते। आओ नानी आप पपीता खा रहे हो। सौभाग्यवती भाव। हेलो नानी आप पपीता खा रहे हो। नानी ने खा दिया। अब ये कौन आया। ओ आओ 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 पुत्र बड़ी खुशी बात दौड़े का हो तो बड़ा हीरो लग रहा है। तो हमारे बिजी आदमी आ गए हैं। बैठ रुद्री आजा आजा आजा। क्या होनो रुद्री तुम्हारे स्कूल हम प्री बोर्ड का पेपर होना चाहिए। हां भाई इन होना। अच्छा खेड़ दी नहीं आई छुट्टी में पढ़ना चाहिए यार खत्म होना चाहिए। अरे 1 किलो हो गया कम है। बधाई हो भाई तो आजकल ये वजन घटा रहे हैं भाई सबके साथ। जब इनका कम होता है मेरा बढ़ जाता है। वो तेरे पर ट्रांसफर कर देता है। मेरा अभी भी उतना फिर उतना ही दिखा रहा है। कितना तो पता नहीं सब लोग क्यों परेशान है वजन को लेके। और भाई ने पिछले एक महीने में 2 किलो वजन बढ़ाया है बधाई हो। अन्नपूर्णा जी ने भी 2 किलो वजन बढ़ाया है और ये दोनों के दोनों वजन घटाने के लिए परेशान हो रखे हैं। ये 5-5 किलो अब मानो तो कुछ दिनों बाद गायब भी होने वाली है। इसका वजन इतना कम हो गया। खवाओ ही था जरा गुला ले आओ। एक पराठा खाने केवल। क्यों खाना एक पराठा अभी तो आपने आधा पराठा खाया। तो मैंने खाया क्या
रोटी मिनता बनाना जब तक सब्सक्राइब नहीं वालने से तो ये दगड़ियों अगर आप दिखना चो नए नए पहल बार हमारे चैनल में छो तो रोटी तभी मिलन में थेगी फटाफट सब्सक्राइब कर दियो यार ए बोलू कर दियो यार लाइक लाइक सब्सक्राइब करे तो लाइक जरूर कर दियो पत्र लेखा अरे भाई कोचे घर में पत्र लेखा जरा बता लो भाई हैं ये पत्र लेखा है चला ये बोल रही भाभी कुछ बोल रही तेरे से हेलो हाय नमस्कार नमस्कार खुश रहो भैया की तरह बोलो कैसे बोलते हैं भैया मेरे हाय फ्रेंड्स ये है मीनाक्षी ये कौन है ये कौन है ये तो आप जानती हैं ये कौन है मानू जल्दी आ मानू तो आ रही थे कि नहीं आ रही थे मानू ने बहुत परेशान करवाया ये आज हमें देर करवाएगी शाम के 4 बज चुके हैं और इस समय हम लोग जाते हैं इवनिंग वॉक पे ब्याल बेटे वजन जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर हेलो चलो और पता नहीं ऐसे आगे हैं बिना चप्पल के बिना कपड़ों के सिर्फ अपन चप्पल पहन के आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं चलो बाय बाय टाटा और अब हम चलेंगे लगभग 3-3.5 किलोमीटर और लाइक कर दिया टेक केयर बाद में बोलना भैया की तरह बोलने की कोशिश कर रही थी भैया कहाँ जा रहा है नंगे पैर और तो मेरे हाथ से फिट जाएगा बेटा ऐसे नंगा पंगा कौन आता है जा जा बंदू कैसे पागल बिचार कितना चलेगी मीनाक्षी बहुत ज़्यादा पर आज मुझे थक लग रही है पता नहीं क्यों नहीं हाँ मैं लोग आ गए हैं घर से काफ़ी आगे घूमने के लिए टहलने के लिए आते हैं अभी आज हम थोड़ा सा शायद जल्दी आए इतने सारे लोग भी नज़र आ रहे वरना बहुत भीड़ रहती है जल्दी आए अभी तो 4:30 ही हो रहे है ना तो बहुत अच्छा लगता है जंगल 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 वाला रास्ता हमारे देश में ये हो रहा है कि हमें तो लग गई थक ऐसे मन कर रहा है बैठ जाऊँ कहीं पे आज फिर से इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी थकान लग गई मुझे हैं आज मेरी बैटरी लो हो गई पता नहीं क्यों मीनाक्षी की बैटरी लो हो चुकी है इसके लिए हम यहाँ से कुछ लेंगे खाने के लिए उसको चार्ज करेंगे जो कि मेरे आगे सख्त मना है हम तो क्या करें हाँ चूड़ा रोटी खाने में तो दिमाग में तैयार पूरी होता है चूड़ा रोटी बना ले तो देख रात हो चुकी है शाम के 4 बजे से लगातार हम घूम रहे हैं और शाम के 6:00 आज 10 किलोमीटर चलेंगे मेरी तो हालत खराब हो गई आज मैं रात को भी घूमने जाऊंगी कि नहीं पता नहीं आज के बाद इन दोनों के साथ में कभी नहीं आऊंगी अच्छा खुद ही गलत आप वाली बताए आज तो हमें डांटी खा चलो भैया भाग सकते हो तो भाग लो ठंड हो रही बात तो अभी बज गए हैं रात के 8:45 और देखते हैं मम्मी लोग कहाँ हैं ये नानी तो सेगी आई है सेगी हो नानी सेगी हो ना पड़े आते लो तुम फिर मूंगफली मूंगफली खा लियो मूंगफली बोलो तू यहीं रहेगा चल मैं जा रहा हूँ बाय अब चलते हैं बच्चों के पास ऊपर आ जा बुन्नी आ जा ये भी बड़ा शौकीन है मूंगफली खाने का जय हो भगवान जी और यहाँ क्या चल रहा है हम आ गए क्या लाऊं तुम्हारे लिए जल्दी देखो ये अरे पजामा तो पहन लो अंकल पूरा पहन लिया बैठ आज हम भी ब्लॉग कर रहे थे घूमते हुए सच में हम शाम को वॉक पे गए हाँ हमने खूब सारी जगह ब्लॉगिंग करी शाबाश शाबाश पुत्तू कितनी नींद आ गई तेरे को छो गया तू बदमाश कहीं का तो फ्रेंड्स इट्स 9:45 और नहीं सॉरी 9:15 और अभी
अभी तक हम नीचे नहीं गए, मूंगफली खा रहे थे। अरे बुन्नू मूंगफली खाते खाते यहीं सो भी गया। ये आपके लिए एक सरप्राइज भी हमारे पास, और सरप्राइज क्या है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो बने रहना हमारे साथ। और उससे पहले तो आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं हमारे लिए, और मैंने सोचा आज कमेंट पढ़ के सुनाते हैं आपको। तो मैं आज वाले वीडियो में जो कमेंट्स आपने किए हैं उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, और बस इसी तरह से अपने कमेंट करते रहें तो पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ बड़ा मज़ा आएगा। तो कल जो व्लॉग आया था जिसमें मम्मी तिरुपति जी से आई थी लौट के, तो उसमें रमेश रावत जी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि जय जय श्री वेंकटेश भगवान और तिरुमला देवस्थानम भगवान वेंकटेश बालाजी, आंध्र प्रदेश की व्यापकता और सुंदरता की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और भक्त लोगों की। ओहो फोन आ गया। भैया है मेरे, बात कर लूँ? हाँ भाई थोड़ा मैं व्लॉग कर रहा हूँ, एक मिनट बाद कॉल करता हूँ आपको। ओके सॉरी। हाँ तो रमेश जी का बहुत सारा धन्यवाद, नाइस कमेंट। तो आई हैड टैग्ड हिम, मैंने उन्हें टैग किया था। और रिद्धि भट्ट जी ने क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जय तिरुपति बालाजी। जय तिरुपति बालाजी, रिद्धि भट्ट जी ने लिखा है। और पल्लवी बिश जी का कमेंट मेरे दिल को टच कर गया, तो थैंक्स टू यू, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ब्यूटीफुल। थैंक यू पल्लवी, थैंक्स अ लॉट। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप मतलब मुझसे बड़ी हैं छोटी हैं, बट थैंक यू। और ममता काला जी ने लिखा है, बालाजी हम सब पर अपनी, तो बिल्कुल ममता, ममता जी आपके ऊपर अच्छा ये तुम्हारे चाची जी। तो चाची जी बिल्कुल बालाजी की कृपा पर बनी रहेगी। और ये हैं माही देव भूमि ब्लॉग्स, तो माही देव भूमि ब्लॉग्स का थैंक यू, आपने हमारा ब्लॉग देखा और कमेंट किया हमें। राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। और अगला कमेंट है देवेश रावत जी, थैंक यू भाई आपने कमेंट किया। और आप पढ़िए, आप पढ़िए। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो और आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, थैंक यू। तो थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, थैंक यू बोला अपन, बहुत अच्छा कमेंट करे, हमारा दिल खुश हो गया इन देखी का आपका कमेंट। तो इन्नी कमेंट करना रहे हैं और सपोर्ट करना रहे हैं। अगला कमेंट है दलबीर धनाई जी का, थैंक यू कमेंट करने के लिए। बहुत मस्त व्लॉग बनाते हैं आप, आपके क्या है आपके, आप सब अच्छा, बहुत मस्त कमेंट बनाते हैं आप, और आप लोग बहुत ही खुश मिजाज हैं, देखकर अपना सा लगता है। बिल्कुल हम आपके अपने ही हैं, और श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो आपको भी थोड़ी देर में एक सरप्राइज देने वाले हम लोग, बने रहे आप हमारे साथ। तो थैंक यू दलबीर धनाई जी, बहुत सारा आभार आपका। अगला कमेंट है रोहित देवर जी का, तो रोहित जी मैं आपका दिल से आभारी हूँ, और आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं और रोज हमें कमेंट करते हैं, तो अनपूर्णा जी स्पेशल थैंक्स दे रही हैं आपको। थैंक यू सो मच। तो रोहित जी आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के रोज हमारे लिए कमेंट लिखते हैं, उसके दिल से आभार। तो उन्होंने कमेंट किया, आप हमारे लिए बहुत ही सुंदर और प्यारा ब्लॉग बनाते हैं, आपके प्यारे ब्लॉग और हमारे सारे कमेंट जब भी आप पढ़ते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, काश कि कभी आपसे मिलने का मौका मिले तो मजा ही आ जाएगा नीरज जी। तो रोहित जी मेरा भी दिल से इच्छा है कि मैं आप सबसे मिलूं, और ईश्वर ने चाहा तो जरूर एक दिन हम लोग एक मीटअप करेंगे जहाँ पे हम सारे भाई मिलेंगे और बहनें भी। सभी लोग मिलके खूब मस्ती करेंगे। अगला कमेंट है पल्लवी बिस जी का, तो पल्लवी जय हो, बिल्कुल जय हो। और हेमा कुकरेती जी ने लिखा है, सुंदर बहुत सुंदर भाई जी, आपकी गढ़वाली और आपकी स्माइल ब्लॉग में चार चांद लगा देती है। ना ना चार चांद मेरी स्माइल लगा, चार चांद ये लगा तुम्हारी दीदी भूली जो बिचिया। तो आपका दिल से आभार हेमा जी, और बहुत अच्छा लगा जब आप लोग कमेंट कर दो, तो इन पर प्यार हम दगर बनाया रखिया। अगलू कमेंट च ममता काला जी, अच्छा आपसे तो बात हो गया, गजब कॉमेडी, थैंक यू। प्रतिभा जुयाल, थैंक्स अ लॉट, आपका भी दिल से धन्यवाद। तो दगड़ियों आप सब जो हम थे कमेंट कर दो, याखुण आपका दिल से आभार, बहुत बहुत अच्छा लगा। इससे पहले का जितने दिन भी आप लोगों ने हमें कमेंट करे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कमेंट हम पढ़ नहीं पैड सका उनखुण सॉरी। और अब जो सरप्राइज आप ही बता दिया, दिल्ली में चलनो गढ़वाली कौथिक महामेला, महाकौथिक दगड़े महाकौथिक, और हमारे व्यूअर्स छूट जावे से इतनी वे सब कौथिक में मिल भी बिल्कुल, तो पर्व आई तो आर छे ये, और हम लोग आपके कौथिक में मिलला, तो भोल आपक ब्रेव पहाड़ी जाना छी दिल्ली, तो अगर दिल्ली बटे कोई दगड़े हमते दिखनो छे तो तुरंत आप भी आ जाएं वे एला, तो हम बिल्कुल नोएडा मुणु छे दा, तो हम लोग जाना छो बोल महाकौथिक दिखना कुण, और आप थे भी दिखोला खूब मजा करला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज अखन दगड़े इतना ही, कि लेके सुबह हम जल्दी निकलो,
तो आज अखुन इतना ही, सुबह भोल फिर वेला आपसे मुलाकात, तब तक हूँ टेक केयर, गुड बाय, जय जय बद्री विशाल।